कक्षा 10 पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। इन नए बस्ते इलाकों में जहां रोज बन रहे नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता हूँ पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का, घर था एक मंजिला और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ, या तो घर आगे ठकमकाता, यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक दिन ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों का लौटा हूँ, अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है ओ घर, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर। प्रश्न पद पर आधारित इस प्रकार है। कभी अक्सर अपना रास्ता क्यों भूल जाता है? उत्तर है, कवि के घर तक जाने वाले रास्ते में नित्य प्रतिदिन नए नए मकान बन जाते हैं, इसलिए वो रास्ता भूल जाता है। खा, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान में निहित अलंकार का नाम, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान में मानवीकरण अलंकार है। गा, कवि ने अपने घर की क्या पहचान बताई? उत्तर इस प्रकार है, कवि ने अपने मकान की पहचान यह बताई कि पीपल के पेड़ के पास गिरा घर, फिर जमीन के खाली टुकड़े से बाएं दो मकान बाद उसका घर। घा, प्रश्न इस प्रकार है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि वह बसंत गया पतझड़ को और बैसाख को गया भादों को लौटा है? उत्तर इस प्रकार है, कवि महसूस करता है कि पहले जितना बदलाव बसंत से पतझड़ आने पर अर्थात साल भर में होता था और बैसाख से भादों अर्थात 4 महीने में होता था, अब उतना बदलाव एक ही दिन में हो जाता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है। अंगा, प्रश्न इस प्रकार है, असहाय कवि को अपने घर तक पहुंचने की संभावना किस तरह दिखने लगी है? उत्तर है, अंगा इस प्रकार है, काफी प्रयास के बाद भी कवि अपना घर नहीं ढूंढ पाता तो वह सोचता कि हर घर का दरवाजा खटखटाए, तभी आकाश में बादल घिर आते हैं, उसे लगता है कि अब इन बादलों को देखकर उसे घर वाले खुद अंदर बुला लेंगे। अगला काव्यांश इस प्रकार है, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ,
गंदे कटे फिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खसोर, रात रानी, अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, और खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पहला प्रश्न इस प्रकार है, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर का आशय स्पष्ट कीजिए। गा काव्यांश के माध्यम से किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है? घा खुशबू की रचना करने वाले हाथों की विशेषताएं लिखिए। अंगा काव्यांश में निहित विरोधाभास प्रकाश डालिए। ये बालक प्रश्नोत्तर स्वयं लिखेंगे और याद भी करेंगे। और